नमस्कार दोस्तों, म्यूजिक का क्रेज तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, बहुत ही ज्यादा है। तो इसी क्रेज को बनाए रखने के लिए लेके आए आप सभी लोगों के टॉप 5 म्यूजिक प्लेयर, जो कि आपके म्यूजिक को सुनने के तरीके को और भी थोड़ा एडवांस कर देगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, और कोई भी एप्लीकेशन अच्छी लगती है तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर दिए, अदरवाइज आप oceantrix.com पे भी जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एबी म्यूजिक प्लेयर से, जहां पे आपको मिनिमल सा इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेन साउंड का सपोर्ट मिलता है, रिंगटोन मेकर का सपोर्ट मिलता है, लिरिक्स, इक्वलाइजर, टाइम और फिर प्लेलिस्ट का सपोर्ट मिलता है। बॉटम में आपको ऑल म्यूजिक और फिर पार्टी देखने को मिल जाएगा। म्यूजिक कंट्रोलर की बात करें तो कुछ इस टाइप का कंट्रोलर आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पे इक्वलाइजर भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि ये वर्कआउट, एनर्जी, वीक, ट्रेवल, इस टाइप के कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे। बाकी लेफ्ट साइड से एल्बम आर्ट, रिंगटोन मेकर और फिर शेयर और फिर सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन को इनेबल कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग डिसेबल भी कर सकते हैं। रोटेट डिस्क भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। बाकी आप अगर चाहे थीम्स को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, जो कि 3-4 कलर के थीम्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट म्यूजिक प्लेयर के बारे में, जिसका नाम है नेल म्यूजिक प्लेयर। तो आपका इंटरफेस आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। बाकी बात करें इस म्यूजिक प्लेयर की तो बहुत ही कमाल का है। एल्बम आर्ट को जो है ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करता है, या फिर मैनुअली जा करके भी आप डाउनलोड इससे की मदद से कर सकते हैं। बाकी बॉटम में आपको देखने को मिल जाएगा, किसी म्यूजिक को अगर आप प्ले करते हो तो बॉटम में आपको उसका कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे कंट्रोल जो है इसका बहुत, सो यहाँ से आप म्यूजिक को चेंज भी यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी आप लिरिक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं यहीं से, इसे जूम करके। सो यार कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं, जो कि आपके फोन को बहुत ही ग्लॉसी सा लुक देता है, क्योंकि ये साइड में जाकर के हाइड भी हो जाता है। तो ये चीज जो है दिखने में बहुत ही कूल लगती है, और गाइस बहुत ही कमाल कमाल के एनिमेशन देती है। बाकी बात करें सेटिंग्स की तो यहाँ पे आपको साउंड फ्रीक्वेंसीज को सेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसे आप इक्वलाइजर के नाम से जानते हैं उसे। उसके बाद आपको यहाँ पे थीम्स को भी सेट करने का ऑप्शन मिलता है, कुछ एक्सपेरिमेंटल थीम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये म्यूजिक प्लेयर बहुत ही कमाल का है। बाकी आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, सो वहां पे जाकर आप इस म्यूजिक प्लेयर को बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूजिक प्लेयर है उसका नाम है म्यूजिक्स प्लेयर। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो विजुअलाइजर मिलता है, जो कि इसकी हाइलाइटेड फीचर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे विजुअलाइजर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको होम स्क्रीन पे इसके बहुत सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और बाकी बात करें इक्वलाइजर की तो यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट सा इक्वलाइजर मिल जाता है। नेक्स्ट वाले बटन की तरह आप नेक्स्ट करके जो इक्वलाइजर को चेंज कर सकते हैं। बाकी विजुअलाइजर को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस राइट साइड में आपको जो है वॉल्यूम कंट्रोल के लिए एक पैनल देखने को मिल जाता है। और फिर गाइस आपको यहाँ पे सेटिंग्स, टाइमर, फाइल, ऐड टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है। नोटिफिकेशन पैनल में आपको इसका कुछ इस टाइप से स्टेटस देखने को मिल जाता है। बाकी विजुअलाइजर अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। बात करें नेक्स्ट म्यूजिक प्लेयर की तो उसका नाम है एज म्यूजिक प्लेयर। एज म्यूजिक प्लेयर एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक प्लेयर है। सैमसंग के जब से एज वाले फोन आने लगे तो ये फीचर जो है बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। और गाइस अगर आपको भी ये फीचर पसंद है तो आपको सैमसंग के फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जो एज म्यूजिक वाला फील जो है आप यहाँ पे अपने फोन में ले सकते हैं। सो बेसिकली कमाल का फीचर इसका बस यही है कि आप इस एप्लीकेशन की मदद से कहीं पे भी, किसी भी एप्लीकेशन में ही क्यों ना हो, लेकिन एज से अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नाउ प्लेइंग के क्यू को, जो बेसिक से सेटिंग्स होती है, जो भी चीजें होती है म्यूजिक प्लेयर, वो सब तो आपको देखने को मिलता ही है। बाकी आपको एज से जो यहाँ पे विजुअलाइजर को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए होम पेज पे भी होंगे तो आपको एक डॉक मिलेगा, उस पर अगर आप स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो एज में जो है म्यूजिक प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी एज में जो है आपको यहाँ पे भी विजुअलाइजर देखने को मिलता है, जो कि इसे बहुत ही कमाल का लुक दे देता है। बाकी विजुअलाइजर इफेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इक्वलाइजर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो यार इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बात करें नेक्स्ट म्यूजिक प्लेयर के बारे में, उसका नाम है विनिलेज म्यूजिक प्लेयर, जो कि दिखने में बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। लाइक पुराने जमाने में जो टेप रिकॉर्डर्स होते थे, कैसेट्स जहाँ पे चलती थी, सीडीज जहाँ पे चलती थी, कुछ इस टाइप का व्यू आपको देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन पे आपको बहुत सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पर थीम्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा एक से एक थीम्स जो यहाँ पर चेंज होती जा रही थी। उसके बाद सॉन्ग्स, म्यूजिक फोल्डर, जो कि बेसिक सारे म्यूजिक प्लेयर्स में होता है, वो तो खैर होना ही है। और उसके बाद बाकी हम बात करें इस म्यूजिक प्लेयर की तो यार ये दिखने में बहुत ही कमाल है। उसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे तो यार सबसे पहले आपको इक्वलाइजर का सेक्शन मिलता है, जो कि यूनिक सा है। उसके बाद गाइस आप जो यहाँ पे बहुत सारे कैसेट्स को अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लाइक कौन से इफेक्ट आपको चाहिए, कैसे चाहिए,
थीम्स को आप टोटली यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, टोटली अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे मुझे इस म्यूजिक प्लेयर की बहुत ही ज्यादा कमाल की लगी। बाकी आप भी इस म्यूजिक प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो यार कुछ इस टाइप की थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा।